यहाँ पर हम देखते हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चित्र हैं, उनका क्या मतलब है वो हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे पहला नंबर का जो चित्र प्रदर्शित किया गया है, ये चित्र है, ये जो चिन्ह है, ये रुकने का संकेत देता है कि आपको रुकना है। ये जो चित्र है ये आपको प्रदर्शित करता है कि आपको बाएं मुड़ना है। ये जो चित्र है ये आपको प्रदर्शित करता है कि आपको रास्ता देना है, रास्ता दीजिए। फिर ये जो चित्र है ये आपको बताता है एक तरफ रास्ता, यानी कि एक तरफ जाने की अनुमति आपको है, या तो जा सकते हैं या आ सकते हैं। तो ये एक तरफ रास्ता का संकेत है। प्रस्तुत चिन्ह है ये यू टर्न निषेध है, यानी आपको यहाँ पर यू टर्न नहीं लेना है। ये चिन्ह है ये पैदल यात्री पार करने के लिए है, यानी पैदल यात्री पार कर रहे हैं यहाँ पर या पार करेंगे वहाँ के लिए चित्र दिया गया है। ये जो चित्र दिखाया गया है ये पार्किंग दाई तरफ वाहन पार करना स्वीकृत है, दाई तरफ आप अपना वाहन पार कर सकते हैं, पार्किंग के लिए है ये। ये दाई तरफ मुड़ना निषेध का बता रहा है कि आपको दाई तरफ नहीं मुड़ना है। और ये जो चिन्ह है ये बता रहा है कि आगे सकरा पुल है। ये जो चिन्ह है ये आपको बता रहा है कि आगे अस्पताल है, लेकिन बाई तरफ अस्पताल। ये जो चिन्ह है ये बता रहा है प्राथमिक चिकित्सा चौकी है, यानी कि फर्स्ट एड की फैसिलिटी है यहाँ पर। और ये आराम करने की जगह है, तो ये आराम करने की जगह के लिए बताया गया है प्रस्तुत चिन्ह। उसके बाद में ये जो चिन्ह बताया गया है ये गति सीमा पर अंकुश समाप्त हो गया है, गति सीमा आपकी समाप्त हो गई। गति सीमा के लिए इस तरीके से दिखाया जाएगा, ये 30 की स्पीड है, 40 की स्पीड है, इस तरीके से। आगे रास्ता तंग है उसके लिए बताया गया है, नहीं कि चौड़ा रास्ता है वो सकड़ा हो गया है, इस तरीके से उसके लिए बताया गया है। ये बताया गया है ओवरटेकिंग आपको नहीं करना है, ओवरटेकिंग की निषेध है। ये चित्र बता रहा है आपको क्रॉस रोड के बारे में, यानी रोड क्रॉस है, चारों तरफ रास्ता जा रहा है। ये चिन्ह बता रहा है आगे जाना मना है, इसके लिए दिया गया है चित्र। फिर हम बात करें ये बाईं ओर सड़क के लिए चित्र दिया गया है। फिर यहाँ पर हम बात करें हॉर्न बजाना जरूरी है उसके लिए चित्र दिया गया है। ये जो चित्र है दाईं ओर मुड़ना आवश्यक है उसके लिए दिया गया है। ये जो चित्र है वाहन खड़ा करना मना है उसके लिए है कि यहाँ वाहन खड़ा नहीं करना है। यहाँ पर हॉर्न बजाना नहीं है, इस तरीके का चित्र होगा। और फिर ये जो चित्र है मोटर गाड़ियों के लिए प्रवेश निषेध है, वहाँ पर ये बताया गया है। ये जो चित्र है ये बैलगाड़ियों के लिए निषेध है, यानी बैलगाड़ी आपको नहीं ले जानी है। बाईं ओर मुड़ना वर्जित है, यानी बाईं ओर नहीं मुड़ना है, उसके लिए चित्र है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा गति से वाहन नहीं चलाना है, वो स्पीड रखी है ये। 50 किलोमीटर घंटे से ज़्यादा गति से वाहन नहीं चलाना है ये उसके लिए है। और ये यहाँ पर आगे बढ़िए आगे बढ़ने के लिए है ये चित्र। फिर हम यहाँ पर देखें ठहरना और खड़ा होना मना है, उसके लिए है चित्र। ये आगे बढ़ना और बाएं मुड़ना अनिवार्य है, ये बताया गया है। ये यहाँ पर हम देख सकते हैं बाईं ओर चलना अनिवार्य है, बाईं तरफ मुड़ना है, उसके लिए बताया गया है। ये दाईं ओर घुमाव है, उसके लिए बताया गया है। ये बाईं ओर घुमाव है, उसके लिए बताया गया है। ये दाईं ओर उल्टा घुमाव है, उसके लिए बताया गया है, यानी पहले गाड़ी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। इसी तरीके से ये बाईं ओर उल्टा घुमाव है, यानी पहले ऐसी गाड़ी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। फिर है दाईं तरफ रास्ते के लिए है ये चित्र। और फिर हम देखें यहाँ पर आगे मुख्य सड़क है, यानी मेन सड़क के लिए है, ये सड़क जो मेन सड़क में जाके मिल रही है। फिर है ये गोल घूमने के लिए है, यानी कि कोई चौराहे पर हो सकता है, कोई सर्किल पर हो सकता है। ये खतरनाक गड्ढे के लिए है चित्र। फिर यहाँ पर हम देखें गार्ड है उस रेलवे क्रॉसिंग पर, उसके लिए है ये चित्र। और यहाँ पर वाई इंटरसेक्शन बताया गया है, यानी ये मेन रोड है, इसमें से आपको उधर से जाना है। फिर हम दाईं तरफ वाई इंटरसेक्शन बताया गया है, यानी ये मेन रोड है, इसमें राइट साइड जाना है। ये वाई इंटरसेक्शन है, यानी मेन रोड है, दो भागों में बंट रखा है। फिर हम देखें ये आगे जाना और दाएं मुड़ना अनिवार्य है, यानी आपको आगे जाना है या फिर आपको दाएं जाना है। यहाँ पर हम देखें रास्ता है वो फिसलन भरा है, उसके लिए बताया गया है, बरसात वाली जगह में हो सकता है। ये बजरी पड़ी है आगे, उसके लिए बताया गया है चित्र। ये साइकिल क्रॉसिंग के लिए बताया गया है कि यहाँ पर साइकिल क्रॉसिंग हो सकता है। ये रास्ते पर पशु होने की आशंका है, आगे पर रास्ते में पशु हो सकते हैं। ये जो चिन्ह है ये आगे स्कूल का चिन्ह है कि यहाँ पर बच्चे के हाथ में बैग भी दे देंगे तो आगे स्कूल हो गया। फिर आदमी कार्य कर रहा है, उसके लिए चित्र बताया गया है। ये जो चित्र है ये चट्टान गिर रही है, चट्टान गिरने की संभावना हो सकती है, उसके लिए चित्र बताया रहा है। ये तीव्र ढलान के लिए चित्र बताया गया है। उसके बाद में बीच में अंतराल दिया हुआ है, उसके लिए चित्र बताया गया है। बीच में सड़क है किस तरीके का, उसके बीच में अंतराल है। ये यहाँ पर ऊंची नीची सड़क है, उसके लिए बताया गया है। ये यहाँ पर आगे अवरोध है, उसके लिए बताया गया है। फिर यहाँ पर आगे सड़क का आर पार नहीं है, उसके लिए बताया गया है। फिर है आगे रास्ता नहीं है, उसके लिए बताया गया है।
फिर यहाँ पर दोनों ओर पार्किंग है उसके लिए बताया गया है ये। फिर यहाँ पर बताया गया है स्कूटर और मोटरसाइकिल की पार्किंग के लिए बताया गया है। ये बाएं मुड़ना चाहते हैं उसके लिए, कार वाला व्यक्ति है दाएं तरफ अपना हाथ निकालेगा कि बाएं मुड़ना चाहता है उसके लिए है। ये प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है वाहन की गति धीमी करना है, यानी दाएं तरफ हाथ निकाल के हाथ को ऊपर नीचे करेगा तो मतलब वो अपने वाहन की गति धीमी कर रहा है। ये वाहन रोकना चाहता है तो अपना हाथ ऐसे सीधा कर देगा तो वाहन रोकना चाह रहा है। यहाँ पर ये एक व्हाइट सिंगल ब्रोकन लाइन दे रखी है व्हाइट वाली, ये विपरीत दिशा में यात्रा और ओवरटेकिंग करना है यहाँ पर मना है, यानी कि विपरीत दिशा में यात्रा ओवरटेकिंग करने की अनुमति है, अनुमति के लिए दिया गया है। उसके बाद में अगर ये सिंगल डैश दे रखा है येलो से तो आज्ञा के साथ दोनों ओर अनुमति है, यानी आज्ञा दे रहा है कोई ओवरटेकिंग की, दोनों ओर अनुमति है ओवरटेकिंग की, दोनों दिशाओं में यहाँ पर ओवरटेकिंग मना है अगर दो पीली लाइन बता रखी है। अगर आप सकड़े ब्रिज पर पहुंच गए और सामने से ब्रिज पर दूसरी ओर से वाहन प्रवेश कर रहा है तो क्या करेंगे, सामने का वाहन ब्रिज क्रॉस करे तब तक रुक करा, तब तक आपको रुकना है फिर आगे जाना है। अगर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, किसी व्यक्ति को चोट लगी है, तो घायल व्यक्ति के लिए हर संभव प्रयास करें, 24 घंटे में पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करें। अगर आप किसी वाहन को कौन सी तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं, आगे जा रहे वाहन को दाई ओर से ओवरटेक कर सकते हैं। बिना फाटक के रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए, वाहन बाई ओर खड़ा करके पता करें कि कौन सी ट्रेन आ रही है या नहीं, यानी कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है। कच्चा लाइसेंस कितनी अवधि का होता है, 6 महीने का होता है कच्चा लाइसेंस। बिना फुटपाथ की सड़क पर यात्री को क्या करना चाहिए, रोड की दाई ओर चलना चाहिए बिना फुटपाथ की अगर सड़क है तो। यहाँ पर जो कौन सा वाहन है उसको हमें अग्रता देनी चाहिए, एम्बुलेंस और फायर फाइटर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसके लिए हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको लाइन क्लियर देना चाहिए। रात्रि में वाहन साइड में रोकना हो तो क्या करना चाहिए, पार्किंग लाइट हमें चालू कर देनी चाहिए। रोड पर जेब्रा क्रॉसिंग का निशान क्या बताता है, पदयात्री को रोड क्रॉस करने का रास्ता ही बताता है। आगे पीछे एम्बुलेंस है या आपके पीछे अगर एम्बुलेंस नज़दीक आ गई है तो वाहन अपना वाहन रास्ते के दाई ओर करके रास्ता देना है, यानी अपना वाहन है बाई ओर करके रास्ता देना है, दाई ओर करके नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल लाइट क्या दिखाती है, वाहन रोकना है आपको। किन परिस्थितियों में ओवरटेक करना मना है, जब अन्य वाहन से के ट्रैफिक की असावधानी हो या अन्य वाहनों को ट्रैफिक की असावधानी की संभावना हो तब आपको ओवरटेकिंग करना मना है। पीयूसी प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने होती है। मोड़ पर ओवरटेकिंग करना मना है, सावधानी पूर्वक करें, आपको मोड़ पर अगर ओवरटेकिंग करना है तो। नशा करके वाहन चलाना हर तरह के वाहन में मना है। स्पीड से चलते वाहन से उतरना किसी भी वाहन में मान्य नहीं है, यानी सारे वाहनों में मना किया गया है कि अगर वाहन स्पीड में हो या वाहन चल रहा हो तब आपको ना तो उतरना है ना ही चढ़ना है।